My name is Huzaifa, and this is Rizq. Rizq के बारे में basically ये एक passion था, एक जज्बा था, और शायद एक problem थी, और उस problem को fight करने का कुछ attitude change करना था, जो ज़िंदगी में कुछ एक important फैसला था, जो मेरे साथ मेरे team members ने लिया और मैंने लिया, and this was then we started Rizq. This is a picture of a dastakhan जो मेरे घर में around 35 सालों से हो रहा था. मेरी अम्मा रोज खाना बनाती थी, रोज लोग आते थे, रोज वो खाना खाते थे, और वो कोशिश करती थी कि कोई भूखा ना जाए. मेरे घर की पॉलिसी होती थी जो आए उसको खाना खिलाओ, और फिर भी ये प्रॉब्लम होता था कि लोग भूखे चले जाते थे. दूसरी तरफ मेरा एक लाइफ टाइम था, मैं बड़ा हो रहा था, एक अच्छे सर्कल में ग्रो कर रहा था, रोज बुफेज हो रहे हैं, दोस्तों की शादियाँ हैं, 10-10 दिन के फंक्शन हो रहे हैं, मैं जाता था उसके बाद खाना ज़ाया हो रहा है, ग्रॉसरी स्टोर्स के पीछे जा रहा हूँ फेंका जा रहा है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जा रहा हूँ, अपनी प्लेट में छोड़ रहा हूँ और खाना बच रहा है. मेरी अम्मा एक छोटे लेवल पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी. शी वाज ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप कि कहीं ना कहीं से हम उतना खाना उनको दे दें जितने लोग भूखे रोज आ रहे हैं. शी वाज फेलिंग एवरी डे टू फीड दोस पीपल. और वो क्या रहा था, सोसाइटी में गैप क्रिएट होता जा रहा था. एक तरफ मैं देख रहा था एक्सेस फूड है, और एक तरफ लोग रोज भूखे सो रहे हैं. मैंने इस प्रॉब्लम को बड़े लेवल पर सर्च किया तो पता लगा कि पाकिस्तान के अंदर ही हर दो में से एक बंदा फूड इनसिक्योर है. मतलब दिस वाज अ प्रॉब्लम दैट माय मॉम वाज ट्राइंग टू सॉल्व वो अपने नेबरहुड में. तो दिस इज अ प्रॉब्लम कि एक प्रिविलेज्ड नेबरहुड, एक अंडर प्रिविलेज्ड इंस्टीट्यूशन का अगर ख्याल रख लेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. अगर आप सिर्फ अपने एक भाई का ख्याल रख लेंगे तो दिस प्रॉब्लम वुड बी मेंटली सॉल्व. ऑन एवरेज एनुअल फूड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान वॉज 40%. मैंने अपने तीन दोस्तों से आइडिया शेयर किया, हमने एक इलॉजिकल चीज की, हमने एक फेसबुक पेज बना दिया, अपना नंबर लिखा, और हमने कहा कि प्लीज आप खाना जाया मत करें, वी हैव कार्ड्स, दीज आर आवर नंबर्स. वी ऑल थ्री फ्रेंड्स गिव आवर नंबर्स ऑन अ फेसबुक पेज एंड फ्लडेड दैट ऑन लम्स पोर्टल. हमने पूरे लम्स में और पूरे लाहौर में शेयर कर दिया. द रिस्पॉन्स वॉज ओवरवेलमिंग. ओवर द नाइट वी गॉट 5,000 लाइक्स, पीपल स्टार्टेड शेयरिंग थिंग्स. और दिस वॉज अ पिक्चर फ्रॉम आवर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन. मैंने खाना लम्स में एक क्लास बंक की, आई गॉट अ कॉल, जेल रोड पे खाना पिक करना था, स्टार्टेड माय कार, वेंट टू जेल रोड, एक फैमिली से ओवरनाइट दावत का खाना पिक किया और उस इसका डिस्ट्रीब्यूट किया. व्हाट ऑलवेज केप्ट मी मोटिवेटेड वाज द मोटिवेशन फ्रॉम विद यू गाइस. मतलब दिस वाज अ प्रॉब्लम दैट एवरीवन वांटेड टू डू. हर मेरे पास जितने लोग इस जर्नी में आए वो ये कहते थे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे, हमें पता नहीं था कैसे करें. और दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ यूथ, यू हैव टू जस्ट, यू जस्ट हैव टू टेक द स्टेप एंड यू डोंट नो कि आपके पास मदद कहाँ से आती है. फाइनली आइडिया आया कि फर्स्ट एवर फूड रिकवरी सर्विस ऑफ पाकिस्तान लॉन्च करता हूँ. आई लॉन्च माई रिक्शा विच इज रिस्क शा, आई लॉन्च दिस सर्विस इन लाहौर. मैंने कहा आप मुझे कॉल करें, दिस कॉल अस, वी पिक अप द फूड एंड थ्रू फेसबुक विल इन्फॉर्म यू योर इम्पैक्ट कि आपके खाने से कितने लोगों ने खाना किया. इनिशियली मैंने इसी को फूड ट्रक बनाया, अपना खाना बजाय मैं शुरू में फ्री देता था और मुझे पसंद नहीं आया कि लोगों को फ्री मुसद्दत कर दिया जाए. मैंने कहा दे शुड ऑल्सो हैव अ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, जिस तरह मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ इसी तरह इनको फ्री आना चाहिए, अपनी पसंद से बिरयानी लें, पास्ता लें, लेमन टार्ट लें. मेरे पास रेस्टोरेंट्स का एंटायर बुफे मेन्यू सेव करता हूँ, इस तरह यहाँ पे किया. दोबारा दूसरा प्रॉब्लम जो मेन मुझे हुआ कि मैं टारगेटिंग कैसे करूँगा इन लोगों की. आई डोंट वॉन्ट अ नॉर्मल दस्तरखान में लगा देता हूँ जहाँ पे लोग आते हैं, खाते हैं, बचा भी जाते हैं, मेरा प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं रह गया. इन्होंने फिर खाना अपनी प्लेट में जाया कर दिया. आई लॉन्च्ड अ रिस्क फूड बैंक इन अ कम्युनिटी वेयर आई एम वर्किंग इन लाहौर राइट नाउ. दिस इज द फर्स्ट एवर फूड बैंक ऑफ पाकिस्तान. देयर हैव बीन फूड बैंक्स इन द वेस्ट, इन द यूके, इन द यूएस. देयर हैव बीन फूड बैंक्स हू सर्व एक्सेस फूड. वी पैकेज फूड इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. वी पुट स्टिकर्स, वी पुट प्राइसिंग सो दैट. हां, ये मेरे वॉलंटियर्स हैं, दीज आर इंटर्न्स हु आर वर्किंग. ये प्रीमियम बेकरीज हैं लाहौर, प्रीमियम food groups of Lahore who give us their excess food, yeah, they give us their near to expiry products, wo further package hoti hai, unhealthy food sort hota hai, and we present it, hamari pricing hai. We work with a community based approach. Hamare paas jis community level pe hum kaam karte hain wahan pe hum inko education, skill, nutrition, health, women empowerment, employment with the help of a community center hum roz de rahe hain, khana de rahe hain, impact nahi aa raha. फिर हमने अपना इंपैक्ट कैलकुलेट करना शुरू किया. दैट इज वेयर वी आर राइट नाउ. वी हैव सेव्ड अराउंड 36,000 केजी ऑफ एक्सेस फूड फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी बीन एबल टू फेड 1,50,000 पीपल विद दैट एक्सेस फूड ओनली. एंड वी हैव सेव्ड अराउंड 8 मिलियन ऑफ द इकॉनमी जस्ट बाय पुटिंग दोस रिसोर्सेज इन टू प्लेस.
इसका स्कोप क्या प्रॉब्लम का जो लोग उससे पूछते हैं, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ मार्केट प्लेस. अभी मैं कुक फूड ले रहा हूँ, फिर मैं सुपर मार्केट में जाऊंगा जहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ग्रॉसरी आइटम्स हैं, देन आई गो टू बैक टू द फार्म्स जहाँ फार्म्स लेवल पे वेस्ट है, और इस सारे एक्सेस को मैं चैनलाइज करूंगा उन बस्तियों में जहाँ पे वो लोग आके, आप जिस तरह मेट्रो में जाते हैं हर जगह जाते हैं, यू गो टू अ प्लेस, वो भी उस जगह जाके सिर्फ 10-20 या 30 रुपए में वो सारी चीजें खरीद सकते हैं जो हम लोग एक बड़ी जगह पे खरीदते हैं. मेरा एम क्या है, आई वॉन्ट टू चैनलाइज ऑल दैट एक्सेस फूड टू गुड कम्युनिटीज, टू फूड इनसिक्योर कम्युनिटीज, जस्ट टू क्रिएट free and a zero hunger Pakistan. That is my aim. Inshallah, I will do that in my lifetime. Please go and like our page, Rizq, and you will learn more about this. My main aim is Mita De Bhook. Rizq, share food, feed happiness. Thank you so much.